नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। आज मैं आ चुका हूं एएम कोल्ड स्टोरेज भोगांव पर। यहां पर हमारे साथ इस कोल्ड स्टोरेज के व्यापारी हैं और यहां पर मैनेजर साहब हैं। इनसे आलू के बारे में बात करेंगे और पूछेंगे अभी क्या रेट आलू की बिक्री चल रही है। पिछले दिनों से आलू कुछ सस्ता हो गया है और पूछेंगे कितना सस्ता हुआ है। और ये आप देख सकते हैं बरामदे में आलू लगा हुआ है सूखने के लिए, जो कि लोडिंग सूखने के बाद इसकी बिक्री के लिए लोडिंग होगी। जानते हैं आलू के भाव क्या रेट बिक्री हो रही व्यापारी जी से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। नमस्कार। आप अपना नाम और जिस कोल्ड स्टोरेज में अभी हैं और इसका एक बार लोकेशन आप बता दें। नाम वीरपाल सिंह, एएम कोल्ड स्टोर भोगांव। अभी हम एएम कोल्ड स्टोरेज भोगांव पर हैं। हाँ जी, हम वीडियो में दिखा रहे हैं, शायद आप देख सकते हैं ये जीटी रोड है। और जो आलू हम वीडियो में दिखा रहे हैं, ये आलू कौन सा आलू है? ये हाईब्रिड में है, ख्याति में। हाईब्रिड में ख्याति में। थोड़ा जूम करके दिखाएं ये आपको वीडियो में, ये हाईब्रिड का ख्याति आलू है। अगर इसके आलू के रेट की बात की जाए तो अभी क्या रेट इस आलू की बिक्री चल रही है? ये बिचा है 1151 रुपए का। आज का रेट 1151 रुपए है। हाँ जी, हाँ जी। और आलू अभी कुछ पिछले दिनों सस्ता हुआ है? हाँ, 20-50 रुपये सस्ता हुआ है। 50 रुपये सस्ता हुआ कट्टे का, पैकेट पर। हाँ, पैकेट पर जो 1150 रुपये पैकेट बताया है आपने, ये 53 किलो आलू के 53 किलो तो रेट है। हाँ, और इसमें कोल्ड स्टोर का रेंट है जो आपको देना पड़ेगा या फिर किसान का होगा? किसान का। ये जो आलू है आपको बाहर निकला हुआ बाहर मिलेगा। और 1300। ये जो न्यू हॉलैंड आलू है, ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये इसकी क्या कीमत है आज की? 1300 से 1350 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भी कुछ सस्ता हुआ है पहले? ये भी सस्ता हुआ है। इसमें कितने रुपए डाउन हुआ है आलू? इसमें मानिए 60-70 रुपए, 80 रुपए तक हुआ डाउन। क्या कारण है जो आलू सस्ता करके? ये अभी बाहर का मतलब जो मंडियों में आलू ज़्यादा माल पहुँच गया ना, वहाँ बिक्री में थोड़ी सुस्ती हो गई। जो आलू सस्ता हुआ है इसकी वजह से किसानों में कुछ निकासी भी कम हो गई? हाँ, निकासी कम हो गई। अब किसान कम आ रहे हैं, किसान जैसे पहले से अपेक्षा कितने कम निकाल? 50% बंद, आधा आ रहे, आधा किसान आ रहा पहले भी आता था। आधी निकासी कम हो गई पहले से। और जैसे लोग बता रहे थे कि आलू बहुत महंगा बिकेगा 2000 रुपए कट्टे तक, उसकी क्या उम्मीद है आलू? उम्मीद भविष्य की बात क्या बताया जाए, क्या बेचेगा क्या होगा। सब्जी है ये, कुछ भी हो सकता है इसका। और जो हमारे जो दर्शक हैं वो वीडियो को देखते हैं और वो ये भी जानकारी देखना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या कैसी निकासी हो चुकी है आलू की, तो आप और भी अगर कोल्ड स्टोरेज में आलू खरीद करते हो गए हाँ। तो अगर पूरे हमारे मैनपुरी और फर्रुखाबाद और जो कन्नौज वगैरह अगर देखा जाए तो निकासी कितनी हो चुकी होगी लगभग? लगभग मैं 25% मान के चले, 25% लमसम 25%। और पिछले साल समय तक इस साल से ज़्यादा निकासी हुई थी? इस साल ज़्यादा हुई, पिछले साल इतनी नहीं हुई थी। पिछले साल 15% लगभग। हाँ, 15 भी नहीं हुई थी, 15 मानो लमसम 12-14 जो भी, लगभग 25% निकासी 25% इस साल हो चुकी है। और जो दर्शक हैं जो हमारे पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश के वीडियो को देखते हैं, किसान भी देखते हैं, व्यापारी भी देखते हैं, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहोगे? क्या देना चाहते हैं संदेश? ये है कि अब आगे भविष्य क्या बताया जाए आलू का, क्या महंगा भी हो सकता है और सस्ता भी हो सकता है, क्या बताएं? जैसे जो किसान का कोई 1000 पैकेट रखा है तो बिक्री किस प्रकार? हमारा तो कहने का मतलब ये है कि उनको किसानों को थोड़ा सा बेचना चाहिए, निकालना चाहिए आलू को, आधा आलू निकालना चाहिए। 1000 है तो जो अभी रेट चल रही है 1000 रुपये पैकेट से लेकर 1200 रुपये पैकेट तक के हाइब्रिड, 1150 रुपये तक के मान के चले आप। अगर एक्स्ट्रा सफर है तो 1200। हाँ, अगर हाँ एक क्लास अगर है। और जो न्यू हॉलैंड आलू है 1300-1350 तक मान लिया, 1250-1350 रुपये की बिक्री हो रही है न्यू हॉलैंड आलू। हाँ, तो किसानों को ये बिल्कुल अभी रेट सही मिल रही है, तो रेट सही मिल रहे हो, किसानों को बेचना चाहिए आलू को। सस्ता नहीं है? नहीं, सस्ता क्या है भाई, जो नैरेटिव बनाया गया था पहले कोल्ड स्टोर वालों द्वारा और कई उनके द्वारा कि बहुत ज़्यादा महंगा होगा, उसके हिसाब से आलू को सही बिक्री। अरे महंगाई भैया, सस्ता कहाँ है, 11-12 रुपए, 12-1250 तक आलू बिच गया। अब ये सब्जी है, इसका कोई रेट नहीं होता सब्जी का? नहीं, क्या रेट तक बिक्री होगी?
और जैसे किसी किसान के 1000 पैकेट है तो 500 पैकेट की बिक्री कर बेचना चाहिए। हमारी सलाह ये है किसान को बेचना चाहिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, आपका क्या नाम है? अमन लोधी। आप कोल्ड स्टोर मैनेजर हैं आप? यस। तो इस कोल्ड स्टोरेज में आलू कितनी कैपेसिटी है आज तक? 1,80,000। 1,80,000। और अभी तक निकासी कितनी हो चुकी है आलू? 25% 25% निकासी हो चुकी है। और इस कोल्ड स्टोरेज में कौन कौन सी वेरायटी का ज़्यादातर आलू रखा जाता है? हाइब्रिड है 97-97, चिप्सोना। और बिक्री क्या चल रही है? बिक्री वही 1,150-1,150 रुपये। 1,150-1,150। और न्यू हाइब्रिड न्यू हेडन 1,350 तक। ये साल नया कोल्ड स्टोरेज बना है? हाँ, नया बना है। और अभी जिस जगह पर है कोल्ड स्टोरेज का, एक बार नाम और कौन सी जगह पर, ये आप लोकेशन वगैरह आप एक बार बता दें। AM कोल्ड भोगांव। आपका हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय जवान जय किसान। जय। ये जो हम आपको वीडियो में आलू दिखा रहे हैं, ये ख्याति आलू है। आपको जूम करके दिखा रहे हैं। इस आलू की आज के डेट में 1,151 रुपये पैकेट की बिक्री हुई है, 53 किलो तौल की। और ये जो बिक्री हुई है, ये थोड़ा मीडियम आलू है, 1,100 रुपये पैकेट की बिक्री हुई है। और आलू पिछले दिनों से सस्ता हो चुका है, लगभग 100-150 रुपये पैकेट की। और किसान बिक्री के लिए भी कम आ रहे हैं। उस साइड आपको न्यू हॉलैंड आलू दिखा रहे हैं। इसकी ये आलू न्यू हॉलैंड आलू है और थोड़ा छिला हुआ भी है और एक दो चेचक भी है। 1,325 रुपये पैकेट, 53 किलो तौल की बिक्री हुई है। और मैनपुरी ज़िला में जो भी बिक्री होती है, 53 किलो तौल की आलू की बिक्री होती है। और जो कोल्ड स्टोरेज का रेंट होता है वो किसान को देना पड़ता है, व्यापारी को बाहर निकला हुआ आलू मिलता है। इसी प्रकार की आलू संबंधित खबर पाने के लिए हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। और आपको ये आलू की जानकारी अगर सही लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।